गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा। स्वामी जी, संगत जी, आज जो हम साखी आपको सुनाने जा रहे हैं, वह गरीब बेटी की शादी में बाबा जी ने कैसे सब कुछ पूरा किया उसके ऊपर है। संगत जी, एक गरीब सेवादार होता है, उसकी बेटी की शादी होनी थी। वह सेवादार अपनी बेटी की शादी के लिए लोगों से उधार लेकर बड़ी मुश्किल से सारे इंतजाम करता है। उसकी बेटी की शादी में लड़के वालों ने कहा था कि बारात में हमारी तरफ से सिर्फ 50 लोग ही आएंगे, और उसने सोचा कि हमारे रिश्तेदार लड़की के नानके और दादके मिलाकर यह भी 50 हो जाएंगे। उस गरीब सेवादार ने बड़ी मुश्किल से 100 लोगों के खाने का इंतज़ाम किया था, लेकिन जब बारात आई तो वह देखता ही रह गया कि यह बारात के लोग तो 100 से भी ज़्यादा आ गए, और सोचने लगा, मैं क्या करूँ, मैं इतने लोगों को खाना कहाँ से खिलाऊँगा, मेरे पास तो बस यही खाना है, मेरे पास और पैसे भी नहीं है, और सामान मंगवा कर खाना बनवा लूँ। साथ संगत जी, वह गरीब सेवादार अंदर गया और बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर अरदास करने लगा। बाबा जी, मेरी लाश तो अब आपके हाथ में ही है, मेरी रक्षा करना, आपकी बेटी की शादी है और इतने लोग आए हैं, आप जाने जान हो, अब आपको ही देखना है कि आगे क्या करना है। मेरे को नहीं समझ आ रहा कि मैंने जितने लोगों के खाने का इंतज़ाम किया था उससे ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो अब मैं आगे क्या करूं? लेकिन आपको सब संभालना है। शादी में उसका एक सेवादार दोस्त भी आया था, उसने उससे पूछा, भाई क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? उसने कहा, भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने तो 100 लोगों के खाने का इंतज़ाम बड़ी मुश्किल से किया था, अब ये बराती जो हैं काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना मेरे पास पैसे हैं और खाना भी मेरे को नहीं लगता कि पूरा हो पाएगा, अब आगे क्या करना है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। वह सेवादार कहता है, भाई तू घबरा क्यों रहा है, जब सदगुरु जी का साथ है तो फिर डरने की क्या ही बात है। साथ संगत जी, तो वह बोला, भाई इतने लोगों को मैं खाना कहाँ से खिलाऊं? तो दूसरे सेवादार ने उसे कहा, भाई तू जाकर 1-2 चादर ले आ और इस सारे खाने को अच्छी तरह से ढक दे, वेटर को जितना खाना चाहिए थोड़ा थोड़ा उसमें से डालते रहो और बाकी को फिर ढक दो। खाने को ढककर रखने से, कहते हैं, उसमें बाबा जी की बरकत डलती है, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे सतगुरु जी। वह बोला, खाना कम हो गया तो सारी उम्र वह मेरी बेटी को ताने सुनाते रहेंगे, तेरे पिता ने बारात को अच्छे से खाना भी नहीं खिलाया। साथ संगत जी, फिर उसका दोस्त कहता है, भाई तू घबरा मत, बाबा जी हैं वो तुम्हारे खाने में बरकत जरूर डालेंगे, अब तुम सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दो, चावल पूड़ी रोटी मिठाई। उस सेवादार ने सब कुछ एक चादर से ढक दिया और दूसरी चादर से सारी सब्जियां ढक दी। उसका दोस्त बोला, अब भाई तुम बाहर जाओ, अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा करो, यहाँ की चिंता मत करो, यहाँ पर मैं बैठता हूँ और इसका ध्यान रखता हूँ, तुम बाहर देखो कि शादी ठीक से हो जाए, मैं विनती करूँगा कि सब कुछ अच्छे से हो, और यहाँ सब संभाल लूँगा, वेटर को जो जो चाहिए होता वह भाई उसे दे देता और फिर चादर से ढक देता। ऐसे ही खाना चलता रहा। जो बराती थे वह बहुत खुश होकर गए कि आपने बहुत ही अच्छा खाना खिलाया, और पूरी शादी में संगत जी यकीनन किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। जो दूसरा सेवादार भाई था वह बस सतगुरु से विनती ही करता रहा कि उस बेटी की शादी अच्छे से हो जाए, और वह पिता भी सबके सामने हाथ जोड़ कर ही खड़े रहे कि सब अच्छे से निपट जाए, और बाबा जी का मन ही मन शुक्र अदा करते रहे कि बस बाबा जी आप ही देने वाले हो, आप ही को सब कुछ करना है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, जो करना है जो किया है आपने ही किया है। जब शाम को बेटी की डोली चली गई तो वह फिर अंदर आया और अपने दोस्त से बोला, भाई सब ठीक हो गया, और उसकी आंखों में जो खुशी के आंसू थे, दोनों दोस्त गले मिले।
वह बोला, देखो तो सही अब कुछ बचा भी है कि नहीं। जब उन्होंने चादर हटाकर खाना देखा तो वहाँ पर दो पूड़ी और जरा सा हलवा बचा होता है। डर के मारे उसने तो कुछ खाया ही नहीं था। तो वह भाई अपने दोस्त को खाना खिलाता है और कहता है, भाई यह तो तेरे लिए ही बाबा जी ने प्रसाद छोड़ा है, यह तेरा ही है, तू इसको खाकर जाना। और वह अपने दोस्त का भी शुक्र अदा करता है, कहता है, भाई तुम भी सुबह से आए हो, अगर तुम नहीं होते तो मुझे नहीं पता था कि क्या होता, तुम्हारी वजह से ही यह खाना पूरा हुआ है। दोनों ने एक पूरी बाबा जी की प्रसाद समझ कर खा ली, क्योंकि पहले तो उसको भी डर के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। बाबा जी ने किसी चीज़ की पर कमी नहीं होने दी। साध संगत जी, सदगुरु पर अगर विश्वास पूरा हो तो वह हमारे सारे काज संभाल ही लेते हैं और हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, किसी चीज़ की हमें कमी नहीं होने देते। 100 लोगों का खाना 200 लोग खा कर गए, यह तो सब उस कुल मालिक का दिया हुआ है। साध संगत जी, ताकि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बने और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखे जी। गुरु प्यारी साध संगत जी।